आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अहमद सुलेमान जी ने। तो सबसे पहले अहमद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है पंडित धर्मवीर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अहमद जी बताते हैं, दिनांक 21 दिसंबर 2019 की शाम को मेरे मामा जी यूसुफ अपने नाना जी के शहर साहिबाल जा रहे थे। लगभग सूरज ढल चुका था जब वो बस से उतरे। बस से उतरने के बाद अभी भी काफी दूरी पैदल ही तय करनी थी। जब वो वहीं के एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे तो उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना नाना जी के लिए उनकी कब्र पर फतीहा पढ़ता चलूं। वो अभी नाना जी की कब्र पर फतीहा पढ़ ही रहे थे कि फतीहा पढ़ते वक्त उन्हें एक औरत की आवाज आई जो उनसे पूछ रही थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूंकि मामा जी अभी फतीहा पढ़ ही रहे थे तो वो चुप ही रहे, मगर वो औरत लगातार यही पूछे जा रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी मामा जी झुंझलाते हुए उस औरत से बोल पड़े, दिखाई नहीं देता, फतीहा पढ़ रहा हूँ। मामा जी को एकदम से गुस्से में आते देख वो औरत उनसे बोली, हाँ हाँ पढ़ो, किसने मना किया है? जो ही मामा जी ने फतीहा खत्म किया कि उन्हें एकदम से जोरों की ठंड लगने लगी। ठंड इस कदर थी कि वो बहुत जोर से कपकपाने लगे। मामा जी को कपकपाते देख वो औरत उनसे बोली, अरे क्या हुआ? अब ठंड की वजह से उनकी आवाज भी सही से नहीं निकल पा रही थी। तभी वो औरत उनसे बोली, शायद आपको ठंड लग गई है, आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं, मेरा घर यहीं पास में है। उस औरत के साथ उस वक्त जाना ठीक नहीं रहता, इसलिए मामा ने उस औरत से कहा, आपका शुक्रिया, मगर आप सिर्फ मुझे इतना बता दें कि यहाँ ढाबा या चाय की दुकान कहाँ है। इस पर वो औरत मामा से बोली, नहीं नहीं, यहाँ आसपास तो कोई दुकान नहीं है, अगर आपको चाय ही पीनी है तो आप मेरे घर चलिए, फिर चाय पीने के बाद आप चले जाना। उस वक्त मामा को बहुत ही ठंड लग रही थी और वैसे भी उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था, लिहाजन वो उस औरत के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो गए। वो औरत मामा को कब्रिस्तान से कुछ दूर एक झोपड़ी में ले गई। मामा भी उस झोपड़ी को वहां देखकर हैरान थे क्योंकि वो जगह पूरी वीरान थी, सिवाय उस झोपड़ी के और कोई दूसरा घर भी नहीं दिख रहा था। खैर उस वक्त मामा करते भी तो क्या करते, वो चुपचाप उस औरत के साथ झोपड़ी में दाखिल हुए। अंदर आने के बाद उस औरत ने मामा को एक और इशारा करते हुए कहा, आप बैठ जाइए, मैं चाय बनाती हूँ। वो औरत पलक झपकते ही मामा के सामने चाय लेकर खड़ी हो गई। इस पर मामा ने कहा भी, इतनी जल्दी? मगर वो औरत कुछ नहीं बोली। अभी मामा ने चाय के दो चार घूंट पिए ही थे कि उन्हें एकदम से बेचैनी सी होने लगी और साथ ही उनकी सांसें भी उखड़ने लगी, जिस वजह से वो पैनिक होने लगे। मामा अभी उस औरत से पूछ ही रहे थे कि क्या किया तुमने मेरे साथ, कि तभी उन्होंने देखा कि उस औरत की जगह अब एक बुढ़िया खड़ी है जिसके पैर उल्टे हैं। तभी मामा जैसे तैसे वहां से चिल्लाते हुए भागे और भागते हुए वो एक बस्ती में पहुंचे जहां उन्हें कुछ लोग एक जगह बैठे नजर आए। उनके पास पहुंचते ही वो बेसुध हो गए। वो लोग मामा को उसी वक्त हकीम के पास ले गए और फिर तकरीबन 2 से 2.5 घंटे बाद उन्हें होश आया। जब मामा ने बेहोश होने का कारण उन लोगों को बताया तो उन्हें पता चला कि दरअसल वो बुढ़िया पहले इसी गांव में रहा करती थी और वो अपनी जवानी में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन एक ऐसा बुरा वक्त भी आया जिसमें उसके परिवार के सदस्य अचानक ही रातों रात खत्म हो गए, सिवाय उस औरत के, जिस वजह से गांव वाले उस औरत को घृणा की दृष्टि से देखने लगे और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। चूंकि उसके परिवार वालों को उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था, लिहाजन वो भी वहीं रहने लगी और फिर कुछ वक्त बाद उसका भी इंतकाल हो गया उसी झोपड़ी में। मगर कमाल की बात तो यह है कि उसने अभी भी किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अहमद जी की ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो
तो लाइक शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।